So, welcome back, dear children. Here we are going to start with this chapter, A Seed Tells a Farmer's Story. What is happening in here, dear children? It is talking about several generations. In this chapter, we deal with how farmers are being, ignored with basic rights that they should be knowing about, how fertilizers, some sort of chemical fertilizers can ruin their land. Also, how, there are some middlemen, some intermediary person who are, not exactly giving them their proper share or their proper due of the, grains and vegetables they grow. So, here a bajra seed is telling the story. Bajra seed is telling the story about several generations and how farming has changed. Now over here it says that this is a small bajra seed. Bajra was kept in a wooden box since 1940. Bajra is going to say a long story about farmer Damji Bhai. Damji Bhai was born in Gujarat. वहाँ पे तभी 1940 में बाजरा बहुत अच्छा बहुत लोग ग्रो करते थे, बाजरा की रोटी भी बना के खाते थे. फिर ये बाजरा ना थोड़ा सा जो सीड्स होता था ना बाजरा, उसको एक बॉक्स में रखते थे और वही सीड्स ना जनरेशन टू जनरेशन पास करते थे. अच्छे सीड्स को लौकी के साथ स्टोर किया जाता था और जस्ट अ वे ऑफ प्रिजर्वेशन. और वो वुडन बॉक्स को रखते थे, उसमें नीम लीव्स रखा जाता था. इफ यू सी नीम लीव्स आर ओवर हियर, नीम लीव्स को राइस में भी रखा जाता है कि इनकेस वो राइस में कीड़े ना पड़ जाए. सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है. देन बहुत सारे सीड्स अलग अलग कंपार्टमेंट के बॉक्स में रखते हैं. दामजी भाई उनके कजिन्स के साथ पहले जॉइंट फैमिलीज में रहते थे. सारे लोग विलेज के एक दूसरे को हेल्प करते थे, फार्मिंग हो या कोई और चीज़. जब भी हार्वेस्टिंग का काम होता था सब लोग सेलिब्रेट करते थे. एंड विंटर में लोग उंधियो करके एक डिश है वो खाते थे. सारे वेजिटेबल्स को पॉट में रखते थे एंड देन उनको वो वेजिटेबल को दे यूज टू कुक एंड देन दे यूज टू ईट. देन द पॉट वॉज प्लेस अपसाइड डाउन, उल्टा रखते थे. इसके लिए उंधियो, उंधियो इन गुजराती मीन्स उल्टा है. So, उंधियों को बाजरा के रोटी के साथ खाते थे. बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट होता था और उसके साथ छाछ पीते थे. फार्मर्स ने क्या काम किया? फार्मर्स ने धीरे धीरे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो किए, ग्रेन्स ग्रो किए, वेजिटेबल्स ग्रो किए. फार्मर्स के पास बहुत था उनके नीड्स के लिए और उन्होंने बाकी का क्या किया, शॉपकीपर को सेल कर दिया. बहुत सारे फार्मर्स कॉटन भी ग्रो करते थे. अब आप बताओ इन योर होम विच टाइप ऑफ व्हाट रोटीज आर मेड, मक्के का रोटी, गेहूं का रोटी, नाचनी का रोटी और व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ रोटी आर मेड. हैव यू ईटन बाजरा और जवार रोटी? हाउ डज इट टेस्ट लाइक? व्हाट इज डन इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स? व्हाट आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स दैट आर रिलेटेड टू फार्मिंग? फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द फेस्टिवल people in Punjab celebrate, Lohri, and then they really enjoy the harvesting period. So there are a lot of such festivals. Makar Sankranti is one another festival. And now next, in the next slide we will talk to your elders and ask कि पहले कौन से dishes बनाते थे और अभी नहीं बनाते. जैसे मेरे घर में बी का भाजी पहले बनता था, it is lotus. लोटस रूट उसका बनाते थे, अभी नहीं बनाते बिकॉज वो दूर जाके लाना पड़ता है. एंड फाइंड अबाउट द क्रॉप्स और सीरियल्स और पल्सेस विच आर ग्रोन इन योर एरिया. सो द थिंग्स विच वी यूजली कंज्यूम वो ग्रो होता है हमारे यहाँ पे. कैन यू रिकग्नाइज दीज ग्रेन्स? दिस ग्रेन्स यू मस्ट हैव स्टडीड इन थर्ड स्टैंडर्ड हाउ टू रिकग्नाइज देम. Now when times change, a lot of things happened. Some places, लोगों को कैनल से पानी मिलने लगा. कैनल बहुत दूर दूर से पानी लेके आ रहा था डैम के थ्रू पास करते हुए. एंड देन इलेक्ट्रिसिटी आया, स्विचेस आ गए. देन लोग सिर्फ कम क्रॉप्स बनाने लगे, जहाँ पे उनको प्रॉफिट होने लगा वही क्रॉप्स बनाने लगे. उससे क्या हुआ, जो ओल्ड ओल्ड क्रॉप्स थे ना वो एक तरफ से एक्सटिंक्ट होने लगे. नॉट एग्जैक्टली एक्सटिंक्ट हो गए बट ना उनका वैल्यू थोड़ा कम हो गया. बहुत सारे दामजी भाई के फील्ड से भी बहुत सारे चीज़ें क्या हो गई, गायब होने लगे.
चीज गायब होने लगे, मतलब वो क्रॉप्स ग्रो करना छोड़ दिया। देन व्हाट हैपेंड, फार्मर्स फिर मार्केट से सीड्स खरीदने लगे, तो फार्मर्स पुराने क्रॉप से सीड्स स्टोर करना वो एक प्रैक्टिस भी बंद हो गया। देन यू नो पीपल इन विलेज दे कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन स्पेशल डेज, बाकी पहले कैसे हमेशा रोज आना जाना होता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दामजी भाई इज गेटिंग वेरी ओल्ड, उनका बेटा जो है वो अभी हसमुख ख्याल रख रहा है उनके फील्ड्स का। हसमुख बहुत पैसे कमा रहा है फार्मिंग से, उसने उसके घर को भी रेनोवेट कर दिया, बहुत सारे मशीन्स लेके आए। अब बहुत सारे मशीन्स लेकर आए तो क्या हो गया, काउस और बलक्स को रिप्लेस कर दिया ट्रैक्टर से। हसमुख बोल रहा है कि अभी हम बहुत वही चीजें बनाएंगे जिससे हमको अच्छा प्रॉफिट मिले, फिर हम प्रोग्रेस बनाएंगे। से वी हैड अ वेरी नाइस डिस्कशन बेस्ड ऑन दिस इन द ऑनलाइन लेक्चर दैट इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट डज नॉट मीन कि हम यू नो नेचर को डिस्टर्ब करें। इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट डज नॉट मीन कि हम नेचर को, एनिमल्स को या किसी और चीज को हार्म पहुंचाएं। अगर हमको कुछ कंस्ट्रक्ट करना है और अगर उसके लिए हमको बहुत सारे फॉरेस्ट को कट करना पड़ रहा है, देन हाउ इज दैट डेवलपमेंट, इज इट डेवलपमेंट? सो ऐसा ही क्वेश्चन बाजरा सीड ने भी पूछा। देन हसमुख सेड कि हमको प्रोग्रेस चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू हसमुख प्रोग्रेस इज हैविंग यू नो नाइस हॉस्पिटल स्कूल एंड फैसिलिटीज नियर बाय। फॉर मी प्रोग्रेस इज वेर यू नो ईच एंड एवरी चाइल्ड इज इन द स्कूल, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज गेटिंग एजुकेशन एंड नॉट अ सिंगल चाइल्ड इज यू नो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट और इन सम ओल्ड फैक्ट्री। दैट इज यू नो रियल डेवलपमेंट फॉर मी। वॉट इज डेवलपमेंट फॉर यू, यू कैन से मी। देन नेक्स्ट वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखो जितना ज्यादा मशीन्स लाते हैं वो मशीन्स के पीछे मेंटेनेंस का खर्चा होता है, देन मशीन्स का वेयर एंड टेयर होता है, देन मशीन्स को रिप्लेस करना पड़ता है। बट वेन वी टॉक अबाउट यू नो काउज एंड बफेलोज, काउज एंड बफेलोज हेल्प अस यू नो टिल देयर एंड, टिल दोज यू नो पुअर एनिमल्स डाई, यू नो इनोसेंट एनिमल्स दे डाई, एंड यू नो दीज काउज एंड बफेलोज वो लोग उनके मैन्योर से फर्टिलाइजर का यू नो हेल्प होता है, तो एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर का भी खर्चा नहीं है। न्यू काइंड ऑफ सीड्स वर इन सच अ वे कि हार्मफुल इंसेक्ट्स से यू नो जल्दी कीड़े लगने का डर रहता था। देन उसमें मेडिसिन स्प्रे करो, मेडिसिन स्प्रे करो तो सॉइल का फर्टिलिटी इफेक्ट हो रहा था। सो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो जो लैंड था वो क्या होता गया, धीरे धीरे इनफर्टाइल होता गया। अब जैसे ही धीरे धीरे लैंड इनफर्टाइल होता गया, देर वॉज वेरी 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 लेस प्रॉफिट। सब लोग कॉटन ग्रो कर रहे थे, सो जैसे ही सब कॉटन ग्रो करने लगे सॉरी एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, कॉटन का वैल्यू थोड़ा मतलब प्राइस थोड़ा कम हो गया, सॉइल का फर्टिलिटी कम होता गया, सॉइल बिकेम मोर एंड मोर इनफर्टाइल। विल टॉक नाउ अबाउट द रिमेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।